नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज निगाहें निकिता कश्यप के साथ। जनपद संभल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 17 शराब की पेटी बरामद की, जो कि अवैध रूप से अरुणाचल प्रदेश से संभल लाई जा रही थी। पुलिस ने कार सहित तो 2 युवकों को मौके पर गिरफ्तार किया, जबकि 1 युवक भागने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अधीक्षक के अनुसार थाना प्रभारी निरीक्षक अता मोहम्मद अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। सामने से आ रही सेंट्रो कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो तभी कार चालक ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस टीम ने कार का पीछा कर 2 लोगों को कार सहित पकड़ लिया है। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनका तीसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। ये थाना राजपुरा क्षेत्र में 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनकी निशानदेही पे 17 पेटी शराब पकड़ा गया है, जो अरुणाचल से लाया जा रहा था। ये कल अभियान चल रहा था यहाँ पे चेकिंग का, उसी दौरान ये कहरौला गर्वी रोड पे 2 लोग सेंट्रो गाड़ी से आते हुए दिखाई दिए। जब रोका गया तो इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने बताया कि अरुणाचल मार का ये लगातार जो दूसरे प्रदेश की शराब है वो लेकर आते थे। अरुणाचल मार का जो क्रेजी रोमियो ब्रांड की है, उसको ला करके क्षेत्र में बेचते थे और जगह जगह बड़े हुए रेट पे उसका फ़ायदा उठाते थे। तो अभी ये 17 पेटी माल बरामद हुआ, सेंट्रो गाड़ी में लेके आ रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये योगेश और सत्यप्रकाश हैं, अब इनको विधि कार्रवाई। कितने लाख रुपये का माल होगा ये? अभी तो इनसे आबकारी डिपार्टमेंट से इसका असेसमेंट कराया जा रहा है कि कितने का है, वो असेसमेंट रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पे इसको किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और तीसरे फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। तेज निगाहें के लिए कमल पवार के साथ जनपद संभल से गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट। तेज निगाह के दर्शकों से अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबसे पहले हमारी खबरों को देख सकें, और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए निकिता कश्यप को इजाजत। नमस्कार।